क्या हुआ आपको? अच्छा, चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मेरे जैसा नहीं है, शुक्र मनाइए कि मेरे जैसा नहीं है। तो आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। बिट्टू सर के बारे में मन नहीं लग रहा? अच्छा, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, आ जाएंगे जल्दी। बिट्टू सर का याद आ रहा है ना? एगो वीडियो उनका डलवा दिए, देख लीजिएगा। हीट हीट 8 घंटा का वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसी को देख के तब तक काम चलाइए। आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। चलिए, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, बनाए हैं ना सब लोग, देखे हैं ना? हाँ, आइए अब आराम से डिस्कशन सुनिए। किसका चप्पल है जी? अपना रहते हैं तीरी में, चप्पल बराही में। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन चार स्टेटमेंटों में से कौन ऐसा स्टेटमेंट है, कौन ऐसा कथन है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? जो सही होगा वही इसका उत्तर होगा। तो पहला स्टेटमेंट, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गलत है ये। देखिए, अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ हो गए, वाजपेय यज्ञ हो गए, अग्निष्टोम यज्ञ हो गए, ये सब यज्ञ है। इस यज्ञ की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों को थी। वैदिक सभ्यता के लोगों को थी। अब ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोगों को अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। देखिए, वैदिक काल में व्यापक स्तर पर कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था। उसमें यज्ञों का भी प्रचलन वैदिक काल में हो चले थे, और विशेष तौर पर उत्तर वैदिक काल के लोग इन यज्ञों से परिचित हो गए थे। और अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें राजा अपना साम्राज्य विस्तार करने हेतु अपना घोड़ा छोड़ता था, और उनका घोड़ा जहां तक चला जाता था वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था। जब आप रामायण देखेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ आपको देखने को मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ के क्रम में भगवान राम ने जो है अपना घोड़ा छोड़ा था, उसको उसका बेटा जो है लव और कुश रोक लिया था। वही तो है, समझ गए? तो साम्राज्य विस्तार हेतु राजा जो अपना घोड़ा छोड़ता है उसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी वैदिक काल के लोगों को थी। हड़प्पा काल के लोगों को इस अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं, गाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र नहीं थी, बल्कि गाय
वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र थी, और गाय के लिए वेद में अधन्या शब्द आया है। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। और वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को मार देता था तो उसके बदले उसे मृत्यु दंड दिया जाता था या देश से निकाल दिया जाता था। गाय का इतना अधिक महत्व था वैदिक काल में। परंतु अगर वैदिक काल में कोई व्यक्ति किसी मानव की हत्या करता था तो राजा को 100 गाय देकर के माफी प्राप्त कर सकता था, लेकिन गाय की हत्या के लिए माफी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गाय काफी पवित्र था। उन्हें पशुपति का सम्मान उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हाँ, सही बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति अर्थात आद्य शिव का सम्मान करना शुरू किया। यही हड़प्पा सभ्यता के लोगों के देवता हुआ करते थे। तो ये बात जो है आपको सही है। तो सही के विषय में पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी, गलत है। उनकी संस्कृति नगरीय संस्कृति थी और यह एक स्थिर संस्कृति हुआ करती थी। आंसर हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब गौतम बुद्ध को इस बात का एहसास हुआ कि मोक्ष प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है, वही ज्ञान प्राप्ति है। तो गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो शुरुआती वर्षों में उनका मानना था महिलाओं को बौद्ध संघ में नहीं शामिल किया जाए। लेकिन उनके प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंद, और आनंद के कहने पर ही उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया। और महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के उद्देश्य से ही गौतम बुद्ध ने बेसाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना किया। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी माता, उनकी धाया माँ या उनकी पालन पोषण करने वाली माँ या उनकी सौतेली माँ या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी हुई। और जब महिलाओं को उन्होंने शामिल करने की घोषणा किया तो गौतम बुद्ध ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि अब यह धर्म आगे आने वाले 500 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था अगर महिलाएं शामिल होगी तो बौद्ध धर्म के जो धर्म स्थल है वो कुरुतियों का केंद्र बिंदु बनेगा और फिर धीरे धीरे इस धर्म का विनाश हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान उनका सही हुआ और सच में बौद्ध धर्म का जो है आपको पतन हो गया। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जिस भारतवर्ष से हुई है उस भारतवर्ष में मुश्किल से 1-2% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बाद बाकी जापान, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों में जो है थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। सारनाथ आप सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है, जिसे संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। और कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। इस बात की जानकारी हमें महान मौर्य सम्राट अशोक के रूमी देई अभिलेख से प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध
जन्म कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ था। मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य है, यानी मौर्य काल में किसके लिए विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, बेगारी प्रथा समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझिए, नहीं समझते हैं तो समझिए। देखिए, वैसी प्रथा जिसमें सामने वाले से काम करवा लिए लेकिन उसको उचित मजदूरी नहीं दिए, यही होता है बेगारी प्रथा। यही होता है बेगारी प्रथा, यानी काम करवा लिए और उसको उचित मजदूरी नहीं दिए, यही होता है क्या आपको बेगारी प्रथा। जैसे अभी जो है फिजिकल अपने संस्थान का जो है अप्रोक्स में 2000 बच्चा फिजिकल देने जा रहा है, रिजल्ट आएगा तो उसमें से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, समझ गए, लेकिन 2000 कार्ड जो है संस्थान की तरफ से इश्यू हुआ है। और विद्यार्थी को ये हम बोले हैं कि आपको पटना में गांधी मैदान में या पटना कॉलेज में जहाँ भी जो भी फिजिकल ट्रेनर करवाता है आप जाइए आराम से कीजिए, सबसे हम बात भी किए हैं, समझ गए। तो जो है रिजल्ट आने में देरी हो रहा है, तो हम ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा तो एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि फलना ट्रेनर के पास इतना विद्यार्थी है, तो उस अनुसार सबको पैसा दे देंगे। लेकिन सब ट्रेनर सबको ये लग रहा है कि हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब हमारा मेहनताना जो है बेकार तो नहीं चला जाएगा। लेकिन हम आपको जो बात बोल दिए हैं वो निश्चित तौर पर करेंगे। मेहनताना अगर कोई मेहनत करता है तो उसका उसको हक मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। तो रिजल्ट में देरी हो रहा है, इसी वजह से किसी को पैसा उसा नहीं दिए हैं, तो सब जो है अब विद्यार्थी सबको परेशान करने लगा है कि जो है जल्दी एडमिशन लीजिए और नहीं तो सर को बोलिए पैसा देने के लिए, समझ गए। खैर वो लोग भी अपने जगह पे सही है और पता नहीं हम अपने जगह पे सही हैं या गलत, हमको नहीं पता है, हम रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर अब जो है सोच रहे रिजल्ट में देरी हो रहा है तो दे ही देंगे। तो कोई लोग ये नहीं समझे कि जो है उनको हम नहीं देंगे पैसा, निश्चित तौर पर उनको पैसा दिया जाएगा। संस्थान के तरफ से जो है फिजिकल फ्री है, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी छात्र एवं छात्राएं था और थी, जो भी मेंस दिए हैं संस्थान से पढ़ करके, उन लोगों के लिए पूरा का पूरा फिजिकल हम फ्री किए हुए हैं। और उन लोगों को संस्थान के तरफ से जो है, यानी जितने भी ट्रेनर हैं सबको संस्थान के तरफ से जो है पेमेंट किया जाएगा। तो उन लोगों को ये लग रहा है कि कहीं बेगारी वाला बात तो नहीं हो जाएगा, मतलब फ्री वाला बात तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, आप विश्वास रखेंगे कि हम आपको निश्चित तौर पर देंगे, समझ गए। एकाध गो का फोन भी आ गया है तो सोच रहे हैं अब एक दो दिन में दे इधर उधर करके, क्या है कि न, फिर रिजल्ट आएगा तो आगे देखा जाएगा। तो यहां से समझिए, यहां से एक बात आपको समझना है, पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसा समझिए, पैसा बहुत जरूरी चीज है। और लोग, हम हो या कोई भी हो, हर कोई पैसा के लिए, जैसे हम ही हैं आपको पढ़ा रहे हैं, किसके लिए, पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे वो मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, वो किसके लिए, पैसा के लिए। तो पैसा का बहुत महत्व है, समझ गए। अब सबसे ऊपर पैसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सबसे ऊपर पैसा ही है, पैसा का महत्व है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब सब चीज से ऊपर पैसा को रख दीजिएगा तो वो भी सही बात नहीं है। तो जहां भी जाइए, सफल होइए, खूब पैसा कमाइए, जितना अधिक पैसा होगा समाज में उतना सम्मान होगा, समझ गए। तो दबा करके पैसा कमाइए, समझे। तो बेगारी तो समझ में आ ही गया होगा, इतना लेक्चर दिए हैं तो, समझ गए। तो आइए, तो समझ गए होंगे, आंसर बताइए क्या होगा।
बेगाड़ी ना बेगाड़ी। देखिए ये जो रिजल्ट में देरी हो रहा है, ये जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है ना, सत्ता में जो परिवर्तन हुआ है उसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रहा है, समझ गए। और इनसे पहले के जो अध्यक्ष थे बड़ी शानदार आदमी थे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तुरंत डिसीजन लेते थे, तुरंत रिजल्ट देते थे। और ये जो अध्यक्ष है ठीक है आदमी है, गलत बोलना सही ना है, सरकार का लोग है, समझ गए, ठीक है आदमी है, लेकिन अब तक में रिजल्ट दे देना चाहिए था, अब नहीं दिया है तो फिर अब जो भी हो समझे। आगे आइए आगे। मौर्य काल में प्रांत, प्रांत को चक्र कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, चक्र, और जिला को कहा जाता था मंडल, जिला को कहा जाता था मंडल, मंडल कहा जाता था, प्रांत को चक्र और जिला को मंडल कहा जाता था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों को और मंदिरों को ग्राम अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, लेकिन काफी अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान एवं भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत गुप्त वंश के शासकों ने किया, यानी सबसे पहले दिया सातवाहन वंश के शासकों ने, अधिक मात्रा में दिया गुप्त वंश के शासकों ने, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त, गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, यानी कौन एक व्यापारियों का संगठन था, चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज मणिग्राम, इसमें से व्यापारियों का जो संगठन था वह था आपको मणिग्राम, व्यापारियों का जो संगठन था वह कौन था आपको मणिग्राम। अब यहां पर चतुर्वेदी मंगलम और अष्टदिग्गज के विषय में हम लोग जानते हैं, देखिए आपको सबसे पहले अष्टदिग्गज ही जान लीजिए, फिर चतुर्वेदी मंगलम को जान लीजिएगा, परिषद का उतना महत्व है नहीं, लेकिन ये दोनों जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु भाषा के बहुत महान व्यक्ति थे और उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें कहा जाता था अष्ट दिग्गज। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहा करते थे उन्हें ही कहा जाता था अष्ट दिग्गज। इसके बाद एक अष्ट प्रधान है मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी ने स्वस्थ प्रशासन की स्थापना को लेकर जो 8 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया उसी को कहा गया अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान। अब यहां पर समझिएगा चतुर्वेदी मंगलम, देखिए वैसे ब्राह्मण जो चारों वेदों का जानकार हो, वैसे ब्राह्मण जो चारों वेदों का जानकार हो उस ब्राह्मण को जो गांव अनुदान में दिया जाता था उसी के लिए शब्द आया है चतुर्वेदी मंगलम। चारों वेदों के जानकार ब्राह्मणों को जो ग्राम अनुदान में दिया जाता था उसी के लिए यह शब्द आया है चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम। सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था, देखिए सल्तनत काल में इनाम भूमि जो है विद्वानों को दिया जाता था, धार्मिक धर्म धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति को दिया जाता था,
और इनाम भूमि पर जो है किसी भी प्रकार का कोई राजस्व और नहीं लिया जाता था, टैक्स और नहीं लिया जाता था। तो सल्तनत काल में जो इनाम भूमि है यह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? देखिए, अकबर 1556 में बादशाह बना और 1561 ईस्वी से अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अकबर ने उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान किया और तमाम उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने का काम किया। उत्तर भारतीय राज्यों के अभियान के क्रम में ही अकबर ने गुजरात का अभियान 1572-73 में किया। तो अकबर ने गुजरात का अभियान 1572-73 में किया। जब अकबर गुजरात का अभियान किया था तो इस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय जो है आपको गुजरात के शासक हुआ करते थे, मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर गुजरात अभियान पर गया, गुजरात के शासक को पराजित किया, वापस अपनी राजधानी चला आया। राजधानी वापस लौटते ही अकबर को पता चला फिर से गुजरात में विद्रोह हो गए। अकबर शीघ्र तुरंत फिर से गुजरात का अभियान किया और फिर से गुजरात को जीता, और इस बार गुजरात को जीता और गुजरात में उन्होंने समय भी गुजारा। इस बार जब अकबर ने गुजरात को जीता तो वे गुजरात में रहे। गुजरात समुद्र तट पर बसा हुआ है। इस दौरान ही अकबर ने समुद्र का दर्शन किया, पुर्तगालियों से मुलाकात की और फिर गुजरात अपनी राजधानी वापस आए। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। फतेहपुर सिकरी नामक शहर को अकबर ने बसाया था अपने सपनों के शहर के तौर पर, और वहां पर बुलंद दरवाजा ही नहीं बल्कि और भी कई सारे महल, दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, ये तमाम प्रकार के महल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है आपको बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुतगामी या तेज गति से किया जाने वाला अभियान बतलाया जाता है, क्योंकि अकबर तुरंत तुरंत गुजरात का अभियान किया, गुजरात जीत करके आया, फिर से विद्रोह, फिर से तुरंत गुजरात का अभियान कर दिया। तो अकबर का जो गुजरात अभियान है यह विश्व का सबसे द्रुतगामी या तेज गति से किया जाने वाला अभियान बतलाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन मुसोलिनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसके बाद हिटलर, हिटलर का नाम आप सुने होंगे, जर्मनी के तानाशाह हिटलर, इन्हें फ्यूहरर के नाम से भी जो है जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के ब्रोना प्रांत में इनका जन्म हुआ था। बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए, फ्यूहरर। अतातुर्क ये कहा जाता है मुस्तफा कमाल पासा, अतातुर्क मुस्तफा कमाल पासा को कहा जाता है अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्की का पिता। तो तुर्की का पिता कहा जाता है मुस्तफा कमाल पासा को। इतिहास में मुस्तफा कमाल पासा को याद करने के पीछे रीजन कई सारे हैं, लेकिन उसमें एक रीजन है मुस्तफा कमाल पासा ने ही खलीफा के पद को, खलीफा
खलीफा के पद को अंतिम तौर पर वर्ष 1924 ईस्वी में समाप्त मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। गोडेहू की संधि से निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, वाडिवास का युद्ध। देखिए, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय, समझिए आप। कर्नाटक युद्ध जानते हैं, हुए हैं भारत में, लेकिन यह युद्ध जो है दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है, और यह युद्ध जिस दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है वह दो यूरोपीय कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ है, और यह युद्ध जो है आपको एलासापल के संधि के तहत समाप्त हुआ है, एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ है। वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है यह हुआ है 1749 से 1754, और यही युद्ध है जो गोडेहू की संधि या पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो गोडेहू की संधि या पांडिचेरी के संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुए हैं, जो युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुए हैं। फिर इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ है, और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई है, पेरिस की संधि के तहत हुई है, पेरिस के संधि के तहत जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई है। इसके बाद आपको वाडिवास का युद्ध है, वाडिवास के युद्ध की अगर हम लोग बात करें, तो यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ है, और यह युद्ध भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुआ है, और इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई है, फ्रांसीसियों की हार हुई है। इस युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भाग लिया था काउंट लाली, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से भाग लिया था सर आयर कूट। और इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई, और इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इस युद्ध से आप मान करके चलिए पतन हो गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 ईस्वी में स्थापित हुई, लगभग 100 वर्ष तक भी भारत में व्यापार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको नहीं कर सकी, 100 वर्ष पूर्ण से पहले ही फ्रांसीसियों का भारतवर्ष से जो है आपको पतन हो गया। यह कथन किसका है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने ही यह कहा है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे डेरे जियो, डेरे जियो। देखिए, इसका पूरा नाम है हेनरी लुई बिबियन डेरे जियो। डेरे जियो के ऊपर फ्रांसीसी क्रांति 1789 का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, डेरे जियो के ऊपर फ्रांसीसी क्रांति 1789 का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, और डेरे जियो ने ही वर्ष 1826 ईस्वी में, डेरे जियो ने ही वर्ष 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया। इस युवा बंगाल आंदोलन के जरिए डेरे जियो क्या मांग कर रहे थे इसको आप समझिएगा। डेरे जियो युवा बंगाल आंदोलन के जरिए यह मांग कर रहे थे कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता है उस शोषण पर रोक लगाई जाए, समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसे समाप्त किया जाए, अर्थात मीडिया को स्वतंत्रता दी जाए। इसके बाद आपको और भी कई प्रकार की मांगे डेरे जियो ने युवा बंगाल आंदोलन के जरिए किया, और इस आंदोलन के जरिए बंगाल के युवाओं को एकजुट करने का काम जो है आपको डेरे जियो कर रहे थे,
और डेरेजियो एक कवि भी थे। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। बिहार पुलिस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, तो डेरेजियो को माना जाता है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को हमारी सभ्यता का अग्रदूत और हमारी सभ्यता का पिता कहकर पुकारा है, हमारी सभ्यता का पिता कहकर पुकारा है। फिर आपको राजाराम मोहन डा है, इन्होंने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज जैसे तमाम संगठनों की स्थापना की है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में दादा 1815 में राजाराम मोहन डा ने किया। फिर डेविड हेयर के सहयोग से राजाराम मोहन डा ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राजाराम मोहन डा के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना की और तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालने का उन्होंने काम किया। फिर डेविड हेयर के सहयोग से राजाराम मोहन डे ने कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। देखिए गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में हुआ था और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में यह दाची कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ था। डाची कृष्ण पंडित के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में गडकरी विद्रोह हुआ। देखिए गडकरी कौन था समझिएगा, मराठों के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। जैसे आप याद कीजिए मराठों के कई सारे सहयोगी सैनिक हुआ करते थे, जिसमें एगो पिंडारी भी मराठों के सहयोगी सैनिक हुआ करते थे। पिंडारी का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। उसी प्रकार से मराठों के वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे गडकरी लोग। लेकिन जब अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शासित क्षेत्र को 1818 ईस्वी में जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तत्पश्चात गडकरियों का शोषण अंग्रेजों ने करना शुरू किया। और जब गडकरियों का शोषण होने लगा, गडकरियों से उनके हक और अधिकार छीने जाने लगे, गडकरियों से उनका भूमि लिया जाने लगा, तो फिर गडकरी लोगों ने दाची कृष्ण पंडित के नेतृत्व में 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में विद्रोह किया, जिसे इतिहास में गडकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से आप अवगत होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के तत्वाधान में महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक में 8 अगस्त 1942 को अपने जीवन का सबसे जोशीला भाषण दिया। 1.5 घंटा का भाषण था। गांधी जी के भाषण से ब्रिटिश सत्ता डगमगा गई थी और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पहले 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर जेल में बंद कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में बंद हो गए, जिस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन के कोई
नेतृत्वकर्ता बचे नहीं और भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। तत्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन को क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने नेतृत्व प्रदान करने का काम किया और इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली जैसी महिला, उषा मेहता जैसी महिला पार्टिसिपेट की थी। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलाप में शामिल हुई थी और अरुणा आसफ अली को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक में तिरंगा झंडा फहराने का काम की थी। मुंबई के ग्वालिया टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा फहराने का काम अरुणा आसफ अली ने की थी, इसी वजह से इतिहास उनको याद रखता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उषा मेहता ने गुप्त रेडियो का संचालन करने का काम की, गुप्त रेडियो का संचालन करने का काम की, जिसके माध्यम से उषा मेहता आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचना पहुंचाने का जो है आपको काम किया करती थी। इसके अलावे भारत छोड़ो आंदोलन से और भी कई सारी महिलाएं पुरुष सभी जो है आपको जुड़े हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? देखिए खुदाई खिदमतगार वर्ष 1929 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो है आपको शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन से जो जुड़े लोग थे वे लाल कुर्ता पहना करते थे, जिस वजह से खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है। और खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का सेवक, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन के आंदोलनकारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। जब महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे तो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुदाई खिदमतगार आंदोलन के आंदोलनकारी जो है आपको पार्टिसिपेट किए थे अर्थात भाग लिए थे। तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और जो खान अब्दुल गफ्फार खां है इन्हें ही इतिहास में बादशाह खां, सीमांत गांधी या अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी, ये सभी प्रकार की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खां को ही दिया जाता है। और जब महात्मा गांधी और कांग्रेस भारत विभाजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था तो उस पर खान अब्दुल गफ्फार खां बड़ी नाराज हुए और उन्होंने ही कहा था, कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे धकेल दिया, आगे है अली बंधु। देखिए जो अली बंधु है वर्ष 1919 में ब्रिटिशों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुए, वह अली बंधु के नेतृत्व में ही हुआ था। आगे है सर सैयद अहमद खान। जैसे हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने का, शुरू करने का श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है, उसी प्रकार से इस्लामी समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का राजा राम मोहन रॉय भी कहा जाता है। और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए इस्लामी समाज में सुधार लाने का काम किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे, ये हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा करता था। और इन्होंने सभ्यता और नैतिकता अर्थात तहजीबुल अखलाक नामक पुस्तक की भी रचना की है और कुरान के ऊपर इन्होंने टीका भी लिखने का काम किया है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए संविधान का निर्माण
संविधान सभा ने किया है, और संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुति के आधार पर गठित किया गया है, या कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक चला है। गौर से सुनिएगा, 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 के बीच संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और इस बैठक के दौरान संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। तो संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा, यह प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ है और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ है। यही वजह है कि हम लोग यह बात कह सकते हैं कि संविधान को अंतिम रूप से मूर्त रूप देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का संविधान को लेकर क्या विचार था? महात्मा गांधी का संविधान को लेकर के यह विचार था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। इसके बाद एम एन रॉय ने 1934 ईस्वी में यह विचार प्रकट किया, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यह विचार एम एन रॉय ने वर्ष 1934 ईस्वी में प्रकट किया था। बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें तो इनसे संविधान सभा में वार्ता के दौरान जो है क्या हो गया बाबू, सोना हीरा मोती, आ जाइए आइए आइए आइए। क्या हुआ? आय तुरी इंटरसिटी आ गया तो सामान उमान कोई गाड़ी पे है कि ना? है एगो लड़का, मतलब बस यही करना, वो लेकर के नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है जाइए। बेचारा चावल के पीछे परेशान है, पेट का बात है। हाँ बात तो सही है, पेट का बात, मतलब घर से उनका चावल आया है, ट्रेन आ गया है स्टेशन पे, समझे, तो वही रिसीव करने के लिए जाना है। चलिए आगे आइए। संविधान सभा में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया, आपके अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग या अनुच्छेद कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हमारे अनुसार संविधान का आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 है। संविधान का आत्मा एवं हृदय क्या है? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा है। अर्थात संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, अगर आपका उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है, और अनुच्छेद 32 है एक प्रकार का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा एवं हृदय है मौलिक अधिकार।
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 यह कहता है, या अनुच्छेद 231 इस बात को लेकर प्रावधान करता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसको लेकर के चर्चा करता है अनुच्छेद 231। और यही कारण है कि महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक उच्च न्यायालय है, असम अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसको लेकर के प्रावधान करता है 231। आगे अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी अनुच्छेद 131 देता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी अनुच्छेद 131 देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, वैसे मामले जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है वही सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो गया तो यह मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। दो राज्यों के बीच विवाद हो गया तो यह मामला भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद, दो राज्य के बीच होने वाले विवाद, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। यही सब मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आगे है अनुच्छेद 143, किसी कानूनी मसले पर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है। तो ये तीनों अनुच्छेद क्लियर कर दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अधीनस्थ न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में होगा। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233, समझ गए। देखिए राज्य में हाईकोर्ट के अंदर जो सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय होते हैं वही अधीनस्थ न्यायालय है, वही आपको अधीनस्थ न्यायालय है। गायघाट में जाइएगा, फिर यहां पर आप डाकघर के पास चले जाइएगा, मेन डाकघर के पास, ये सब जो न्यायालय है यही सब तो अधीनस्थ न्यायालय है। और आज जो डाकघर है, मेन डाकघर है अशोक राजपथ में, उसके बगल में जो न्यायालय है वहां पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ। ट्रांसफार्मर आज की घटना है, आज की घटना है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है। संभवतः कहा जा रहा है कि दो वकील का डेथ हो गया है और बहुत सारे लोग, 7-8-10 लोग जो है झुलसे हैं, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। देखिए गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी में एक तो ऐसे ही गर्मी रहता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, और फिर जो है थोड़ा सा बच उच करके रहिए, ट्रांसफार्मर सब पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो जो है ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ पर आसपास में, जैसे बहुत सारा दुकान ट्रांसफार्मर के आसपास में रहता है, वहाँ पर दुकानदारी करने से बचिए। अरे जान है तो महाराज बहुत कुछ है, समझ गए। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ से जो है आप लोग दूरी बना करके रहिए, समझे। अब बताइए जो मर गए हैं उनका क्या, बताइए, तो बड़ी अजीब है, ठीक है। आगे पुरुष के जहां जगह यहां स्त्री कीजिए। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, समझ गए। आगे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून 1955 में बनाया, जिसे नागरिकता कानून 1955 कहा जा रहा है, कहा गया है नागरिकता कानून 1955 कहा गया है। उसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं, जिसमें 2019 में भी संशोधन हुए हैं।
और उसको लागू हाल फिलहाल में करने की घोषणा की गई है, समझ गए। तो 2019 में जो नागरिकता संशोधन हुए हैं उसको लागू हाल फिलहाल में करने की घोषणा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसको लेकर के आगे कभी बात करेंगे। लेकिन जो मूल नागरिकता अधिनियम 1955 है वह अधिनियम यह कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार। अब देखिएगा यहां पर देशीयकरण, देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है, देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है। अगर किसी विदेशी को, अगर किसी विदेशी नागरिक को भारत की सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे देता है तो वह देशीयकरण के प्रमाण पत्र के माध्यम से भारत का नागरिक समझा जाएगा या समझा जाएगी। अब देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है, देखिए, एक तो शर्त यह है कि आप वैसे देश के नागरिक हो जहां देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती हो, दूसरा, आप भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखता हो या रखती हो, तीसरा, भारत के 22 राजभाषाओं में से कोई भी एक भाषा के आप जानकार हो, अगला, आप कुछ वर्षों तक एक निश्चित समय सीमा तक भारत में रहे हो या आप भारतीय पुरुष से विवाह किए हो। इन तमाम आधारों पर देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है और फिर आप भारत के नागरिक हो जाते हैं। इटली की रहने वाली सोनिया गांधी राजीव गांधी से विवाह की और उन्हें देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया गया, ऐसे पंजीकरण के माध्यम से भी वो ली है, उन्हें देशीयकरण का भी प्रमाण पत्र दिया गया है। तो जो सोनिया गांधी है वह पंजीकरण और देशीयकरण दोनों माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण की है। और एक बात आप याद रखें, जो देशीयकरण या पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, लेकिन जो जन्म से भारत का नागरिक है, वंशीय परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक है, उनकी नागरिकता किसी भी सिचुएशन में समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि हम देश विरोधी गति, जैसे हम जन्म से भारत के नागरिक हैं, मान लिया जाए कि हम देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो हमको सजा दिया जाएगा, लेकिन हमें हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी क्योंकि हम जन्म से भारत के नागरिक हैं। तो जन्म के आधार पर और वंशीय परंपरा के आधार पर अगर आप भारत के नागरिक होते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है, परंतु देशीयकरण या पंजीकरण के माध्यम से आप भारत की नागरिकता लिए और देश विरोधी मामलों में अगर आप संलिप्त हैं तो आपकी नागरिकता एकदम से जा सकती है। अगर आप सोनिया गांधी की बात करेंगे तो सोनिया गांधी की नागरिकता जा सकती है, लेकिन सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो उसकी नागरिकता नहीं जा सकती है क्योंकि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं, उनकी माता और उनके पिता दोनों भारतीय थे तब जाकर के राहुल गांधी का जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोनिया गांधी की नागरिकता जा सकती है लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता नहीं जा सकती है। तो माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी स्त्री से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर, विदेशी स्त्री से विवाह करने पर। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना।
जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उन्हें अवैध तरीका से गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीका से गिरफ्तार किया गया है, तो उनको लेकर के न्यायपालिका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह कहता है कि 24 घंटा के भीतर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए ताकि उन पर विचार विमर्श किया जा सके कि वो व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। अगर दोषी है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और अगर निर्दोष है तो उसे जो है छोड़ दिया जाएगा। और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए जो दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता पूर्वक आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता पूर्वक आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। और 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो स्वतंत्रता पूर्वक आपको जीवन जीने का अधिकार है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ये चीजें हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ये चीजें हैं। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, इसमें देखिएगा परमादेश, जब किसी लोक महत या सरकारी पद पर बैठे पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनको न्यायपालिका आदेश देता है और कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कीजिए। और परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, समझ गए। इसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायिक रीत है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों न्यायिक रीत है। ये दोनों रीत ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करता है, ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जो है जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? देखिए आप सब लोग जानते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन रॉ ने संविधान निर्मात्री सदस्यों को यह सलाह दिया कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय द्वारा वाद योग्य हो, मतलब जिसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है, और एक ऐसे मौलिक अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो, मतलब जिसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। बी एन रॉ के सुझाव पर ही भाग 3 में जो मौलिक अधिकार शामिल किया गया उसको लेकर कहा गया यह न्यायालय में वाद योग्य होगा, और भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए उसको लेकर के कहा गया यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी चर्चा भाग 4 में है और यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन ऐसे प्रावधान है जो 36 से 51 के बीच में है, जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे और जो नहीं है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होंगे। तो मद निषेध यानी नशीले पेय पदार्थ पर रोक, तो नशीले पेय पदार्थ पर रोक लगाने की बात अनुच्छेद 47 में की गई है। जैसे बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ है अनुच्छेद 47 के कारण ही लागू हुआ है, तो अनुच्छेद 47 काम का अधिकार, अनुच्छेद 41 समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। तो आप देखिए 36 से 51 के बीच एबीसी आता है, एकदम से आता है, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सूचना का अधिकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि जो सूचना का अधिकार है हमें संसदीय अधिनियम के तहत प्राप्त हुए हैं। जो सूचना का अधिकार है संसद ने 2005 ईस्वी में अधिनियम पारित करके हमें सूचना का अधिकार प्रदान किया है, अर्थात जो सूचना का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है बल्कि यह विधिक अधिकार है, और इसे विधिक अधिकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद ने अधिनियम पारित करके हमें यह अधिकार दिया है, संसद ने अधिनियम पारित करके हमें यह अधिकार दिया है, इसी वजह से सूचना के अधिकार को हम लोग विधिक अधिकार कह सकते हैं, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक। देखिए ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। गौर से आप इस बात को सुनिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग पारित करना होता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित नहीं किया, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अगर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है तो उसको लेकर के कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, तो ये नहीं होगा। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो वित्त विधेयक को लेकर भी वित्त विधेयक को लेकर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। वित्त विधेयक को भी संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। साधारण विधेयक, हाँ साधारण विधेयक को लेकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में बुलाए जाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन में जो भी नियम कानून लागू होता है वह लोकसभा के नियम कानून के अकॉर्डिंग ही लागू होता है, और संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिए जाते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम लोग बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन स्टार्टिंग में संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता था। पहली बार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 1952 में संयुक्त अधिवेशन के जरिए हुआ, दूसरी बार भी 1957 में संयुक्त अधिवेशन के जरिए हुआ, लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के जरिए होगा, बल्कि उसके स्थान पर यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अब वर्तमान समय में एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या चाहे वह मनोनीत हो, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के जरिए नहीं होता है, बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आंसर सी। और आज तक संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुलाया गया? 3 बार। न पहली बार दहेज विधेयक को लेकर के, दूसरी बार बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर के, और तीसरी बार निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर के। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने, बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, अर्थात 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद को आसीन हुए हैं। एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं बीबी गिरी, चौथे हैं आर वेंकट रमन, पांचवें हैं शंकर दयाल शर्मा, छठे हैं के आर नारायण।
ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने, बाद में जाकर के राष्ट्रपति बने। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये उपराष्ट्रपति नहीं बने, ठीक है, आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। और इस बात को जानिए, ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पॉकेट बीटो या जेबी बीटो का प्रयोग किया, यही ना किया है जी। और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, संभवतः राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के गृह मंत्री पद पर रहे हैं। और ये जो है आपको राजीव गांधी के समय डाकघर संशोधन अधिनियम पर जेबी बीटो का प्रयोग किए थे। और इसी प्रकार से एक बात और आप जान लीजिए, 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी, HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, अगला है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है। 245 में से 233 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, राज्यों से। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि 233 गो सदस्य जो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, इसको कौन चुनता है? इसको आम जनता चुनता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, विधानमंडल के सभी सदस्य चुनते हैं। समझ गए, ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिएगा, अगर आप राज्यसभा के सदस्यों की बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्य को विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे राजद पार्टी के तरफ से राज्यसभा के नए सदस्य बनाए गए हैं, एगो मनोज झा को और एगो संजय यादव को, तो इन दोनों का जो राज्यसभा में निर्वाचन हुआ है बिहार के तरफ से, राजद पार्टी के तरफ से, तो बिहार विधानसभा में राजद के जितने निर्वाचित विधायक हैं, जैसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये सब लोग चुनने का काम किए होंगे मनोज झा और संजय यादव को, और ये सब लोग जो है राजद के तरफ से गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों को चुनने का काम करते हैं, अर्थात प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो वही कहलाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है, तो मंत्रिमंडल का गठन होता है सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री से, अर्थात सभी केंद्रीय मंत्रीगण से। कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री दोनों एक ही बात है, सभी केंद्र मंत्रीगण मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और बैठक मंत्रिमंडल की होती है, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है, समझ गए। इसके बाद मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल हो, उसको कहा जाता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? 1991 से। भारत में न्यायपालिका है, संसद के अधीन, स्वतंत्र, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। आप अनुच्छेद 124 को पढ़िए। अनुच्छेद 124 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, प्रधानमंत्री। देखिए, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा का नेता होता है और वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री का अपने पद पर रहना या नहीं रहना विधानसभा के बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत है तो वह मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा, विधानसभा में बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री के पद पर वह नहीं रहेगा। तो विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और देखिए, यहां पर यह बात स्पष्ट नहीं किया है, सामूहिक या व्यक्तिगत। अब समझिए, अगर सामूहिक होगा तो विधानसभा, और अगर व्यक्तिगत होगा राज्यपाल। व्यक्तिगत होगा तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। व्यक्तिगत होगा तो राज्यपाल, और सामूहिक होगा तो विधानसभा। खैर, थोड़ा व्यापक स्तर पर जाकर के सोचिए। देखिए, कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह कौन सदन का नेता होता है? विधानसभा का नेता होता है। भले मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो, इससे मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। अरे, पहले वह मुख्यमंत्री पद पर रहेगा तब तो वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा में उसको बहुमत होगा तब तो वह आगे कुछ कर पाएगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पर आप समझिए, राज्य का मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल और सामूहिक तौर पर विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब कुछ भी तो स्पष्ट है नहीं, विधानसभा ही ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? वैसा निर्वाचन जिसमें आम जनता चुनाव में प्रत्यक्षता भाग ले, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। जैसे मुखिया का चुनाव, जैसे विधानसभा का चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेगा, तो यह आपको प्रत्यक्ष चुनाव है, समझ गए। तो जनता द्वारा प्रतिनिधि जिस माध्यम से चुना जाता है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब आप यहां पे ये जो आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट है, ये सब दर्रा है। ये सब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के दर्रा है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के दर्रा है। जो पश्चिमी घाट है गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें आपको थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, और पाल घाट और सेनकोटा घाट केरल में है। पाल घाट और सेनकोटा घाट केरल में है, ठीक है, केरल में है। तो अब आप समझिएगा, मुंबई है, मुंबई के उत्तरी पूर्वी भाग में आएंगे तो इधर नासिक मिलेगा, और मुंबई के दक्षिणी पूर्वी भाग में आएंगे तो इधर पुणे मिलेगा।
मुंबई को नासिक से जो दर्रा जोड़ता है थाल घाट, और मुंबई के पुणे से जो दर्रा जोड़ता है भोर घाट, भोर घाट। अब यहां पर पाल घाट है और यहां पर सेनकोटा घाट है। सेनकोटा घाट की अगर आप बात करेंगे तो जो सेनकोटा घाट है यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरे से आपस में जोड़ता है, केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरे से आपस में जोड़ता है। और जो पाल घाट है, पाल घाट की अगर हम लोग बात करें तो यह केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। अब देखिएगा आप, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और इधर आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। और तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र है यहां, और तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र पाल घाट के नजदीक है, पाल घाट के नजदीक है। तो पाल घाट के नजदीक है, इसी वजह से आपको पाल घाट के साथ जाना होगा। थाल घाट भोर घाट तो होगा नहीं और सेनकोटा घाट भी नहीं होगा। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलती है, नीलगिरी पाल घाट के नजदीक है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, पाल घाट। आगे सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार के महासागर में पाए जाते हैं? देखिए जो सागरीय जीव मूंगा है यह उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील नहीं है? महाराष्ट्र का लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील कृत्रिम झील नहीं है बल्कि यह क्रेटर झील है, क्रेटर झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है आपको कृत्रिम झील नहीं है बल्कि यह क्रेटर झील है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है, बाद बाकी सब कृत्रिम झील है। उकाई झील गुजरात में है, ताप्ती नदी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी। और निजाम सागर झील तेलंगाना में है, कहाँ है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, महाबलेश्वर की अगर आप बात करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है और इस महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से 5 नदी निकलती है। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से कृष्णा, कोयना, वेन्ना, कोयनी लिख दिया, कोयना, वेन्ना, गायत्री, सावित्री, सावित्री, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, गायत्री, सावित्री, ये पांचों ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इन पांचों नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है वह कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक में बहने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर जो है आपको इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। अब अगर आप गोदावरी नदी की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी यह निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। हरियाली योजना,
जिसका संबंध जल प्रबंधन से है का आरंभ किस वर्ष हुआ है? देखिए, पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है लेकिन पीने योग्य जल की कमी है। तो और साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं सबसे शुद्ध जल कौन होता है? वर्षा जल, वर्षा जल होता है ना जी। तो पीने योग्य पानी का मैनेजमेंट सही ढंग से हो सके ताकि पीने योग्य पानी में कमी ना हो, इसी को लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 2003 ईस्वी में हरियाली योजना शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा 2003। निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है? पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। सुइल परियोजना सुइल नदी पर है, इससे भी हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है, इससे भी हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है। इससे मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य लाभान्वित होता है, उत्तराखंड राज्य लाभान्वित होता है। अर्थात आंसर हो जाएगा आपको डी। डी भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। जूट एक अखाद्य फसल होता है, भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। भारतीय जूट को बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। भारतीय जूट से जो है रेड कारपेट बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है और साज सज्जा के सामान में जो है आपको जूट का प्रयोग होता है। तो जूट को कहा जाता है भारत का स्वर्णिम तंतु। भदावरी किस पशु का नस्ल है? भदावरी भैंस का नस्ल है। भदावरी हो गया, मुर्रा हो गया, मेहसाना हो गया, ये सब भैंस का नस्ल है। केरल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? केरल मोनाजाइट और थोरियम दोनों के लिए प्रसिद्ध है, वही मैग्नीज के लिए ओडिशा प्रसिद्ध है। ओडिशा इसमें छह नंबर तो है ही नहीं, छह नंबर सबसे मिटा लीजिए। देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को उसके क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते क्रम में सजाइए। कोयला से लगभग 54%, लगभग में हम बता रहे हैं 54%। नवीकरणीय ऊर्जा लगभग 24%, जल विद्युत 12%, प्राकृतिक गैस 6% और तेल से लगभग 1% या 2% के आसपास। तो इस अनुसार सजाइए। तो 3, 2, 1, 4, 5 आंसर हो जाएगा बी। बिहार स्थित डालमिया नगर प्रसिद्ध है। डालमिया नगर कहाँ? रोहतास में है ना जी, रोहतास में है। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति का निवास नहीं है, मतलब एससी कैटेगरी के लोग कहाँ नहीं रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में जो है आपको अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। आंसर डी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। गिब्सन मरुस्थल कहां अवस्थित है? देखिए, गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ये तमाम मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। आकर्टिक वृत्त है विषुवत रेखा के। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा।
इससे ऊपर जाइएगा तो आप सब लोग जानते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है आपको। तो उत्तरी गोलार्ध में एक आपको मिलेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को कहते हैं आकर्टिक वृत्त। आकर्टिक वृत्त इसी को कहते हैं, या आकर्टिक रेखा इसी को कहते हैं। और यह जो आकर्टिक वृत्त है, उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, रसिया से होकर गुजरती है। और आप देख सकते हैं कि जो यह विषुवत रेखा है, नीचे वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर में है या नीचे में है। तो विषुवत रेखा के ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के ऊपर में है अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो आकर्षक वृत्त है विषुवत रेखा के उत्तर में। द स्ट्रगल इन माई लाइफ किनकी रचना है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की रचना है, और इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक है आपको सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। देखिए, जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, और यह पुरस्कार पहली बार 1972 में दिया गया था, समझ गए। और देखिए, नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को जन्म दिया है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह है आपको अमृता पटेल। अमृता पटेल को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार वर्ष 1997 में मिला है। डेयरी विकास, डेयरी क्षेत्र में विकास को लेकर के, डेयरी क्षेत्र में विकास कहने का मतलब है दूध, दूध के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में विकास को लेकर के अमृता पटेल का जो एक असाधारण कदम था उसी को लेकर के इन्हें नोबेल नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, यहां पर भारतीय महिला के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला है मेरी लीला रॉ। इन्होंने 1956 के ऑस्ट्रेलिया में हो रहे ओलंपिक गेम में भाग लेने का काम की, धावक हुआ करती थी, समझ गए, धावक हुआ करती थी। 200 मीटर दौड़ में भाग ली थी लेकिन बाहर हो गई, पदक उदक जीत नहीं पाई मेरी लीला रॉ। वही पिछले टेस्ट में हम आपको दिए हुए थे सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट की थी, तो आंसर हो जाएगा आपको 1900 ईस्वी में पेरिस में जो हुआ था उसी में महिला पहली बार भाग ली थी। अब प्रथम महिला कौन थी जो भाग ली थी वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर? भारत की तो प्रथम महिला मेरी लीला रॉ हुई जो कि ओलंपिक में भाग ली। स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी एक महिला, हेलेना डी पोर्टालेट, समझ गए। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, तो वैश्विक स्तर पर ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्विट्जरलैंड की रहने वाली हेलेना डी पोर्टा लेस थी। हेलेना डी पोर्टा लेस थी
वैश्विक स्तर पर ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्विट्जरलैंड की हेलेना डी पोर्टालेस थी। कॉस्ट में 1900 ईस्वी पेरिस में जो महिला भाग ली थी, प्रथम यही महिला भाग ली थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हीरालाल जे कानिया। समझ गए? इससे आगे आपका टेस्ट होगा शनिवार को। तो इससे आगे हम लोग मिलते हैं शनिवार के टेस्ट में। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग उधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से आ जाइए। हे बच्चा को आपके साथ आया है जी? तो लड़का लोग के साथ बैठा हुआ था। अरे कौन है जी? हाँ? अरे किसके साथ आया है? आप लोग के साथ है? आपके साथ? ओ देखिए तो ऐसे उसको अपने पास काहे नहीं बैठाते हैं? तो उसको कहाँ छोड़ दिए थे आप? और इसे बच्चा को छोड़ा जाता है अपने साथ, इसको बैठाइए आप।